नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी, आप देख रहे हैं thrustzone.com और आज हम चला रहे हैं बेनेली की इंपेरियाले BS6 वर्जन। जब दुनिया नॉर्मल थी हमने इसका BS4 वर्जन चलाया, आज हम इसका BS6 वर्जन चला रहे हैं और हम आपको बताना चाहते हैं इसमें क्या बदलाव आए हैं। क्योंकि एक नई मोटरसाइकिल है तो कॉस्मेटिक चेंजेस ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको सेम हेडलैम्प सेम इंडिकेटर मिल रहा है। ये क्रैश गार्ड जो है आप नया देख रहे हैं और यहाँ पे बेनेली की स्टिकरिंग भी की गई है। सेम टैंक, सेम हैंडल बार, सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर। आप चाहिए तो माइल्स जैसे फॉरेन में यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, किलोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको यहाँ टेलटेल लाइट्स मिल रही हैं सारी, हैजर्ड लाइट बटन मिल रहा है, एडजस्टेबल लीवर मिल रहा है ब्रेक के लिए, सिर्फ क्लच के लिए नहीं। और ये टैंक पैड काफ़ी अच्छा है, आप अपने घुटने यहाँ पे चिटका सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल रह सकते हैं। आगे की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, पीछे की सीट बहुत छोटे एडल्ट बच्चों के लिए है और जो शॉप इधर उधर जाने के लिए ही ये सीट है। ये रही इसकी साधारण सी टेल लैम्प और ये है बाकी की मोटरसाइकिल। कलर भी सेम, डिज़ाइन भी प्रीटी मच सेम, स्पोक व्हील्स, ट्यूब टायर नॉट ट्यूबलेस, आप कमेंट्स में पूछेंगे इससे पहले मैं आपको बता दूं। और डिस्क ब्रेक दोनों तरफ ABS दिया गया है और ओवरऑल सेम एग्जॉस्ट, बट यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है, ये BS6 का बदलाव है, कैटकॉन डाला गया है, कैटलाइजर डाला गया है इसे BS6 बनाने के लिए। इसके अलावा इंजन में भी बदलाव किया गया है जिससे इसको BS6 बनाया जा सके। और हेडलाइट की जो लाइट है रात को काफ़ी अच्छी आती है, इसकी पार्किंग लैंप है और हेडलैम्प्स एक ही यूनिट के अंदर है। और इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ये सब कुछ सेम है, ज़्यादा बदलाव नहीं है। और BS6 में हमेशा इंजन में सबसे ज़्यादा बदलाव रहता है और उसकी बात कर इसकी इंजन जो है 374 cc की इंजन है, 21 PS का पावर बनाती है, 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है। और ये एक एयर कूल्ड इंजन है जो 5-speed गियरबॉक्स के साथ आपको मिलता है, 6-speed नहीं मिलता है इसमें। और इसकी जो पिकअप है बहुत बढ़िया है, ओवरटेकिंग पावर जिसे मिड रेंज कहते हैं बहुत ही बढ़िया है, टॉप एंड पावर भी है इसकी काफ़ी अच्छी है। ये एक क्लासिक 350 जावा वाली टाइप की मोटरसाइकिल है तो इसमें टॉप एंड पावर नहीं होता स्पोर्ट बाइक की तरह, बट फिफ्थ गियर में 100 किलोमीटर के स्पीड पे गाड़ी इतनी कंफर्टेबल रहती है आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप 100 कर रहे हैं फिफ्थ गियर में, क्योंकि इंजन इतना स्मूथ हो चुका है पहले से, इतना रिफाइंड हो चुका है, इतना आसान हो चुका है, इसकी पावर डिलीवरी इतनी स्मूथ हो चुकी है कि आप BS4 चलाए, अगर आपने चलाई होगी तो आप BS6 में बहुत ही बड़ा बदलाव महसूस करने वाले हैं। इंजन में बहुत स्मूथनेस आ गई है, एक अलग तरह की कंसिस्टेंसी आ गई है इस इंजन में जिससे कि चलाना और भी आसान हो गया, इंजन को मैनेज करना बहुत ही आसान हो गया, गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ है, इसका क्लच भी काफ़ी हल्का है और ओवरऑल एक बहुत ही स्मूथ इंजन है ये, पहले से बहुत ही बेहतरीन कर दिया गया। मैंने ऐसा BS4 टू BS6 चेंज में एक 20-25% का चेंज होता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 50% का चेंज आया है सिर्फ इन द वे दी जो इंजन जो आपको फील कराता है और जैसे कि वो चल रहा है उसमें 50% तक का बदलाव है, क्योंकि इंजन बहुत स्मूथ हो गया है, वाइब्रेशंस गायब हो चुके हैं और रिफाइनमेंट जो है इस इंजन का काफ़ी बढ़ चुका है। और ये एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है जिसने सिर्फ 1000 किलोमीटर किए हैं और ये इतनी स्मूथ चल रही है, और अगर इसका ऑयल चेंज किया जाए फर्स्ट सर्विस के बाद ये गाड़ी और भी मोटरसाइकिल बहुत भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा बदलाव बेनेली ने किया है, अगर ऐसे ही करते रहे तो बेनेली की मोटरसाइकिलें डेफिनेटली काफ़ी हिट हो सकती हैं अपने सेगमेंट में, क्योंकि इतनी इजी और इतनी स्मूथ इंजन के साथ आपको ऐसी लुक्स मिल रही है इस मोटरसाइकिल में। आपको डेफिनेटली आप रॉयल एनफील्ड और जावा की तरफ भी देखेंगे, पर इसकी तरफ भी आप आके ज़रूर देखेंगे और आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी एक मोटरसाइकिल अभी हो चुकी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट, ईज़ ऑफ यूज़ आसान है चलाना, और ये जो है इसकी राइड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, इसकी हैंडलिंग ठीक ठाक है, इस सेगमेंट में हैंडलिंग की ज़्यादा बात नहीं की जाती, पर चैसी काफ़ी स्टेबल है, हाईवे पे बाइक काफ़ी स्टेबल है, मैंने जैसे आपको बताया आप 100 पे इसके साथ बहुत कंफर्टेबली रह सकते हैं। क्योंकि इसकी जो सस्पेंशन है हमारे रोड के लिए ट्यून किया गया है, काफ़ी सॉफ्ट है, अगर आपको ज़्यादा ही सॉफ्ट लगे तो आप पीछे का सस्पेंशन चेंज कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा स्टिफ कर सकते हैं, और आप भले हैवी राइडर हो या हल्के राइडर हो आपको सस्पेंशन में ऐसा लगेगा कि पीछे चेंज करना चाहिए, और आप ज़रूर करें अगर आपको लगता है तो। मोटरसाइकिल और भी स्टेबल हो जाएगी, थोड़ी घुमाने में शहर में आसान हो जाएगी, क्योंकि एक बार आप प्रीलोड सेटिंग जो चेंज करेंगे उससे आपको मैन्यूवरेबिलिटी सिटी में घुमाना आसान हो जाएगा। इसका व्हील बेस थोड़ा सा लंबा है, पर एक बार आप
इसकी सेटिंग घुमा देंगे तो ये गाड़ी और भी आसान हो जाएगी घुमाने में। शहर में चलाना आसान है, ट्रैफिक के बीच में से निकलना भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया है, दोनों तरफ डिस्क ब्रेक आपको मिल रहे हैं, ABS आपको मिल रहा है, और एक सेफ मोटरसाइकिल है, और टायर भी इसके अच्छे हैं, ग्रिप अच्छी रहती है क्योंकि ये एक ट्यूब स्पोकवेल वाले टायर हैं, उसमें आपको एक ट्यूब्ड है, ये ट्यूबलेस नहीं है क्योंकि ट्यूबलेस देंगे तो 10 से 15,000 प्राइस सिर्फ उसी का बढ़ जाता है, और इसकी जो प्राइसिंग है वो 20,000 ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ये अभी 2 लाख एक शोरूम प्रीटी लगभग हर शहर में 2 लाख रुपए में एक शोरूम में मिल रही है, और प्राइसिंग मेरे हिसाब से अभी भी अच्छी क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है, इसमें अभी भी वैल्यू फॉर मनी का जो हिसाब है वो अभी भी है, आपको मेंटेनेंस की मिल रही है, फ्री सर्विस मिल रही है, मैनली काफ़ी सारे शहरों में अपनी डीलरशिप खोल रहा है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ लेटेस्ट डीलरशिप खुले हैं मैनली के, और ओवरऑल मैनली हर जगह पहुँच रहा है। ये एक बाइक है जो क्लासिक 350 और जावा के अगेंस्ट आती है, तो ये काफ़ी हॉट सेगमेंट है, इस सेगमेंट की बाइक, इस सेगमेंट इस प्राइस टैग की, और जो 2 लाख रुपीज़ का बाइक, जो 2 लाख रुपीज़ का बाइक सेगमेंट है वो भी काफ़ी हॉट है, तो इसीलिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी अच्छी इसकी बिक्री अभी हो चुकी है। मैनली कह रहा है कि BS6 की बुकिंग्स भी बहुत ही जल्दी उन्हें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, तो ओवरऑल इम्पेरियल ने जब ये आई थी BS4 वर्जन में इसने काफ़ी हला वला किया था, अभी भी ये वही काम कर रही है, और क्योंकि ये बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, अभी इसका इंजन और स्मूथ कर दिया गया है, बहुत बेहतरीन कर दिया गया है, कंफर्ट पहले जैसा बढ़िया है, राइड क्वालिटी अच्छी है, कंफर्ट बढ़िया है, सस्पेंशन अच्छा है, आप नॉर्मली चलाएंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली इस बाइक में, और इसीलिए बेनेली इम्पेरियल BS6 आपको देखनी चाहिए। अगर आप पुरानी नई जैसे रेट्रो मॉडर्न कहते हैं मोटरसाइकिल में आप इंटरेस्टेड हैं, 2 लाख रुपए के आसपास आपका बजट है, और आपको एक क्लासिक 350 या जावा जैसी मोटरसाइकिल चाहिए, तो आपको इम्पेरियल का एक टेस्ट राइड ज़रूर लेना चाहिए, शायद आपका मन बदल जाए क्योंकि ये मोटरसाइकिल काफ़ी बेहतरीन कर दी गई है पहले से। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट्स में छोड़िए, हम उसका जवाब देंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।